यहाँ पे देख सकते हैं योर न्यू डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर अकाउंट, यहाँ पे हो चुका है और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग फ्लिपकार्ट में अपना मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं यानी मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन होता है उसको आपको ओपन करना है और जैसे आप लोग ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, होम का है, कैटेगरीज का है, नोटिफिकेशन का है, अकाउंट्स का है और यहाँ पे कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कहाँ पे करना है, यहाँ पे अकाउंट्स का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट का जो ऑप्शन मिल रहा है इसी अकाउंट में आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट में क्लिक कर दिए हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स करके ऑप्शन मिल रहा है, विश लिस्ट का है, कूपन्स और हेल्प सेंटर का यहां पे ऊपर में ऑप्शन मिलेगा और यहां पे आपको नाम भी दिखा देगा। ठीक है, तो यहां पे आपको इनमें से किसी में आपको क्लिक नहीं करना है, यहां पे आपको सिंपली से नीचे आना है। जैसे आप लोग यहां पे नीचे आइएगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारा यहां पे ऑप्शन आ चुका है। यहां पे देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन यहां पे आ चुका है, माय एक्टिविटी का ऑप्शन यहां पे आ चुका है, अर्न विद फ्लिपकार्ट का यहां पे काफी सारा ऑप्शन यहां पे आ चुका है। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए यहां पे अकाउंट सेंटर का यहां पे जो ऑप्शन मिल रहा है, अकाउंट सेटिंग का यहां पे जो ऑप्शन मिल रहा है उसके दूसरे नंबर पे यहां पे आप लोग देखिएगा तो यहां पे एडिट प्रोफाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसी एडिट प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। आपको किसी भी दूसरे जगह में क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पे आपको एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहां पे एडिट प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए नाम शो हो रहा है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग नाम को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग को मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो यहां पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहां पे पहले जो है यहां पे शो हो रहा है। तो यहां पे मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर है इसको आपको हटा देना। ठीक है, यहाँ पे कंट्री कोड हम रहने देते हैं, कंट्री कोड यहाँ पे देख सकते हैं है, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री कोड को छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर को हटा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग मोबाइल नंबर नया ऐड करना चाहते हैं, जो भी हम लोग चेंज करके नया मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर हम लोग रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अब यहाँ पे अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी अपडेट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अपडेट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मोबाइल नंबर अभी आप लोग ऐड किए उसमें एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोबाइल नंबर पहले से था उसमें भी एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों ओटीपी आ चुका है और दोनों ओटीपी को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं योर न्यू डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर अकाउंट, यहाँ पे हो चुका है और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है, जरूर लाइक कर दीजिए।